नमस्कार दोस्तों, मैं के मोहन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल IAS विद हरी मोहन पर। आजकल जैसे कि देखा जा रहा है कि दिल्ली दिल्ली के अंदर हमने पिछले मई से लेकर अब तक लगभग 11 अर्थक्वैक को महसूस किया। ये 11 के 11 अर्थक्वैक की हालांकि इंटेंसिटी जो थी, स्पीड जो पावर जो थी, इतनी तेज नहीं थी कि दिल्ली के अंदर कोई हताहत या जान माल के नुकसान का खतरा हो। लेकिन इससे दिल्ली के अंदर जब पिछले एक महीने के अंदर इतने ज्यादा अर्थक्वेक आए हैं तो एक सवालों का कटघरा खड़ा हो जाता है कि क्या आने वाले समय के अंदर ये कोई अंदेशा है भारी बड़े अर्थक्वेक के आने का? क्या इसका हम अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली पर कोई बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है? इस प्रकार के जो सवाल हैं उनको डिस्कस किया जाएगा, प्लस आपको आज बताया जाएगा कि अर्थक्वेक कैसे आता है, क्या अर्थक्वेक है और उससे किस प्रकार से किस डायरेक्शन में नुकसान हो सकता है। आज तक साइंटिस्टों ने इतनी बड़ी मेहनत और खोज के बाद क्या रिजल्ट्स निकाले हैं, उन सभी चीजों को भी आज हम डिस्कस करेंगे। मेन रीजंस हम फाइंड करेंगे अर्थक्वेक के आने की, जो फ्रीक्वेंट रीजंस है वो फाइंड करेंगे। लेकिन एक चीज जान लीजिए, सबसे बड़ा सवाल यह है कि आज 11 मई 11 अर्थक्वेक जो हमने रिसेंटली महसूस किए हैं ये दिल्ली में नए नहीं है। ये हर साल ऐसा होता रहा है कि हर बार महीने के अंदर एक अर्थक्वेक हम फेस करते ही करते हैं, लेकिन इस बार ये जो नंबर है ये बढ़ता जा रहा है। जैसे कि ईश्वर कुछ मैसेज देना चाहता है, प्रकृति कुछ दर्शाना चाहती है और हम उन चीज़ों को नहीं समझ पा रहे। हमारे साइंटिस्ट और जो हमारी जो बेसिकली टीम है वो इन मैसेजेस को कंसिडर करने की जगह इनसे पीछे हटती जा रही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। यूट्यूब चैनल है IAS विद हरी मोहन। यदि आप इसमें किसी भी प्रकार के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स आपको यहां पर एग्जैक्ट टू द पॉइंट और ऑन द डे मिलेंगे और विद एनालिसिस मिलेंगे, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यदि आप स्टेट PCS और UPSC एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बेस्ट चैनल है, इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती जाए। यहां पर पेनड्राइव कोर्स भी अवेलेबल है, आप नीचे दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉल कीजिए और उनकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप जूम ऐप पर डेमो क्लास लेना चाहते हैं तो लाइव डेमो क्लास चल रही है, 6 दिन का डेमो मिल सकता है। आईडी पासवर्ड के लिए कांटेक्ट कीजिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल जाए। ठीक है, शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज जानते हैं अर्थक्वेक क्या होता है। अर्थक्वेक की एग्जैक्ट डेफिनेशन चाहिए जिसको, वो यहां से कॉपी कर सकता है, पढ़ सकता है, और जिसको नॉर्मल समझना है एक चीज समझ लीजिएगा कि धरती की प्लेट्स के अंदर यानी कि क्रस्ट के अंदर आए हुए किसी भी प्रकार के मूवमेंट से पूरी की पूरी सेक्शन पर, जिस सेक्शन में मूवमेंट होता है वहां पर काफी ज्यादा ट्रिमर देखने को मिलते हैं, हर धरती के हिलने को पाया जाता है। जिस सेक्शन में वीक टिटोनिक प्लेट्स होंगी वो मूव होने से आपको अर्थक्वेक महसूस किया जाता है, आप अर्थक्वेक महसूस करते हैं। तो अब इसकी डिफिनेशन क्या है कि अर्थक्वेक को आप बहुत सारे नामों से जानते हैं, लेकिन शेकिंग ऑफ सरफेस को आप अर्थक्वेक कहते हैं जो किसी भी प्रकार की तरंगों से जनरेट होता है। ये बेसिकली उसी सेक्शन में होगा जहां पर अर्थ की क्रस्ट कमजोर होंगी और किसी भी प्रकार का वायलेंट एनफ जो बेसिकली ऑब्जेक्ट मूवमेंट होगा वो आपको इसी प्रकार से दिक्कत देगा। ये बेसिकली डिस्ट्रक्शन क्रिएट करता है, जब भी आएगा दुनिया को तबाह करके जाएगा, जिस सेक्शन में आएगा वहां पर काफी त्राही फैलाता जाएगा। अब अगर बात करते हैं, इसी में हमने एक वर्ड पढ़ा सिस्मिक वेव। सिस्मिक वेव वैसे पढ़ने की इतनी आवश्यकता है नहीं, सिस्मिक वेव एक एनर्जी है जो अर्थ की लेयर्स के अंदर से निकलती है, जो कि अर्थक्वेक वोल्केनिक एरप्शन यानी कि लावा फटना, मैग्मा मूवमेंट हो गया, कोई भी बदलाव, धरती का कंपन हो गया या फिर एक दूसरे से अर्थ की प्लेट्स का आपस में टकराना हो गया, ये काफी सारी चीजें देखने को मिलती है। बेसिकली ये वाइब्रेशन होती है जिसे रिक्टर स्केल के आधार पर पढ़ा जाता है, सीस्मोलॉजिस्ट इसकी स्टडी करते हैं और इसे फिर अलग नामों से रिकॉर्ड करते हैं, जैसे सीस्मोमीटर हो गया, हाइड्रोफोन हो गया, एक्सेलोमीटर हो गया, डिपेंड करता है कि ये किस जोन में किस सेक्शन में देखा जा रहा है। अब इस पिक्चर के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या अर्थक्वेक होता है। देखिए सिंपल सी, ये अर्थ की ये डार्क कलर की ये क्रस्ट को समझिए, ये वाला जो सेक्शन है जिस सेक्शन में किसी भी प्रकार का मूवमेंट होता है तो ये वाला सेक्शन आपका कहलाएगा फोकस, ये जो डिफरेंट अलग अलग वेव्स निकल रही है इसे कहा जाएगा फॉल्ट। जब ये टूटते हैं तो टूटने के बाद दो तरीके होते हैं, पहला तरीका तो ये एक दूसरे से दूर भागेंगे, दूसरा तरीका ये एक दूसरे की तरफ भागेंगे। अगर दूर भागते हैं तो आपके दो पार्ट अलग हो जाएंगे, अर्थ के वो सेक्शन अलग हो जाएंगे, जैसे धरती फटना हो गया, ये चीज आप महसूस करते हैं। अगर एक दूसरे की तरफ टकराएंगे तो ये वाला सेक्शन जो बाद में टकरा रहा है, जिसके ऊपर सेक्शन बढ़ता जा रहा है, तो आप नोटिस कीजिए
अर्थ का ये वाला सेक्शन ना नीचे घुसता जाएगा और ये वाला सेक्शन अपर होता जाएगा। हिमालय के बनने का रीजन बेसिकली एक ये भी है कि काफी अरसे पहले, हजारों साल पहले, जब आपस में अर्थ की प्लेट्स टकराई थी तो उसमें से अर्थ का एक बड़ा सेक्शन, यानी कि जो हिंदुस्तान या भारत का वो सेक्शन है, ये प्लेट नीचे की तरफ डाउन होती चली गई और हिमालय वाला रीजन जो तिब्बत वाला सेक्शन है वो अपर उठता चला गया, जिससे क्या हुआ कि पहाड़ों की फॉर्मेशन हो गई और ये वाला सेक्शन एक तरीके से घाटी में प्रवर्तित हो गया। अब इसमें जो स्पीड होती है, ये स्पीड के रिक्टर स्केल यानी मैग्मा रिक्टर स्केल एक मशीन या एक यूनिट की तरह डिसाइड किया जाता है, मैग्नीट्यूड है जिससे हम डिसाइड करते हैं कि कितनी लो कैपेसिटी पर इसे महसूस किया जाता है और उसके बाद जितना बढ़ता जाएगा उसका असर कितना होगा। जैसे कि रिक्टर स्केल अगर 2 से 3 के बीच में है तो बहुत आप फील ही नहीं कर पाएंगे, लेकिन 3-4 के बीच में माइनर स्केल होगा, 5 थोड़ा स्मॉल होगा, 6 बढ़ता जाएगा, 7-8 और जब ये 8 प्लस हो जाएगा तो एक तरीके से भुज वाला आपको सीन याद आ जाएगा कि गुजरात में किस प्रकार से भुज के सेक्शन में आपने देखा होगा अर्थक्वेक आया था, सैकड़ों बिल्डिंगें तबाह हो गई थी और पूरी की पूरी जनजीवन जो थी समाप्त हो गई थी, बर्बाद हो गई थी। तो रिक्टर स्केल पे ये काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता। आप इसको इधर इस पिक्चर से भी देख सकते हैं, काफ़ी सारे सेक्शन आपको यहाँ पे डिस्कस करने को मिलेंगे। यहाँ पर आपका अर्थ की इस पिक्चर को आप एनालाइज कीजिए कि किस तरीके से ये मूवमेंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं, कहीं पर एरो किस तरफ जा रहा है, कहीं किस तरफ, तो ये सेक्शंस आपको दिखाई देंगे। जैसे कि इसमें यहाँ पे पी और एस वेव्स की बात की गई है। पी वेव्स आर कंप्रेशन वेव्स दैट आर अल्टरनेटली कंप्रेस्ड एंड एक्सपेंड द मटीरियल, एक्सपेंड यानी दूर करना, एक्सपेंड द मटीरियल थ्रू विच दे पास, जहाँ से जाएंगे वहाँ पर उसको एक्सपेंड करते जाएंगे, इस तरीके से वेव डायरेक्शन के थ्रू खींचते जाएंगे, यानी कि अर्थ फटती चली जाएगी। इसके बाद यहाँ पर अगर आप आगे देखते हैं इसके अंदर, तो एस वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव्स विच कॉज मटीरियल टू शेक एंड राइट द एंगल ऑफ द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन, द लेंथ ऑफ द रेड एरोज इन द डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड आर ऑफ एस, यानी कि एक तो आपको सिर्फ खींच रहा है, इसमें आप शेक, एस फॉर शेक, पूरा का पूरा आपका सेक्शन मूवमेंट में बदल जाएगा, ये इस प्रकार से आपकी प्रोसेस देखने को मिल जाएगी। इसमें अलग अलग तरीके की वेव्स क्रिएट हो रही हैं, जैसे कि बैक एंड फोर्थ यहाँ पर आ रही है, कुछ अलग अलग डायरेक्शन में जा रही हैं, कुछ अप एंड डाउन होती जा रही हैं, कुछ यहाँ पर है वन टाइप ऑफ सरफेस वेव्स ऑन ग्राउंड फ्रॉम साइड टू साइड एंड कैन डैमेज द फाउंडेशन ऑफ द बिल्डिंग, ये इस तरीके से जाएंगी कि आप की पूरी बिल्डिंग जो होगी वो डैमेज हो जाएगी। अनदर टाइप ऑफ सरफेस वेव ट्रेवल थ्रू अर्थ सर्फेस सच एज अ रोलिंग ओशियन, जैसे कि ज्वार भाटा वाली परिस्थिति आती है, इसमें वेव्स जरूरत से ज़्यादा उठती हैं और नुकसान पहुँचाती है। अर्थ वेव्स को बेसिकली यहाँ पर जो है भूकंप की रेंज को 4 जोन्स में बांटा गया है। जोन 1 एक तरीके से नॉट इफेक्टिव सेक्शन है, जहाँ पर इफेक्ट नहीं पड़ता है। जोन 2 यहाँ पर ब्लू कलर में है, लो जोन रिस्क एरिया है। ये जो मैप में आप देख रहे हैं ये सेक्शन जो है ये लो जोन रिस्क है, यहाँ पर किसी भी प्रकार से आपको ज़्यादा अर्थक्वेक के सेक्शन नहीं मिलेंगे। फिर आ जाता है येलो वाला सेक्शन, जहां पर अर्थक्वेक के सेक्शंस आपके बढ़ते हुए दिखाई देंगे। फोर्थ आपका आता है हाई रिस्क जोन, और दिल्ली जो है ये हाई रिस्क जोन का सेक्शन माना जाता है। फिफ्थ ये बेसिकली ये जो गुजरात का भुज एरिया है, ये इधर आसाम वाला सेक्शन हो गया, वेस्ट बंगाल वाला पार्ट हो गया, ये सारा का सारा सेक्शन जो है ये फिफ्थ जोन के अंदर आता है। ज्यादातर जो नुकसान होता है ये जोन 4 के अंदर, क्योंकि ये जोन नंबर 5 जो है बहुत रेयर होता है, लेकिन जब आएगा तो नुकसान जरूरत से ज्यादा देगा रिक्टर स्केल के आधार पर। तो दिल्ली जो है बेसिकली जोन 4 के अंदर आ रहा है, और पिछले लॉन्ग ड्यूरेशन से यानी एक महीने के अंदर अंदर जब आप 11 बार भूकंप के झटके देख रहे हैं तो इसका मतलब बहुत बड़ा डेंजर जोन है। दिल्ली क्योंकि सेंटर में बसा हुआ है और ये बेसिकली हिमालय के उस सेक्शन के नियर बाय है, जहां पर कोई भी मूवमेंट होगा तो दिल्ली में सबसे ज्यादा पहले पता चलेगा। और यहां पर रिस्क रेट जो है, रिस्क का रेट लो है, लेकिन जो नंबर ऑफ जो अर्थक्वेक है वो बहुत ज्यादा आते जाते हैं। अब आ जाता है पॉइंट की, अब जैसे कि हमने बोला कि यूरेशिया प्लेट जैसे कि अपर साइड जा रही है और ये जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है जैसे कि अर्थ की, ये वाली साइड से नीचे घुसती जा रही है और तिब्बत और हिमालयन ये पहाड़ ये यहाँ पे इकट्ठे होते जा रहे हैं, ये फोल्ट वाला सेक्शन है। कुछ हजारों साल पहले ऐसा देखने को मिला था जब ये दोनों आपस में टकराए थे और धीरे धीरे बढ़ते चले गए। आपको ये भी पता होना चाहिए कि हर साल 5 सेंटीमीटर या फिर 2 इंच की करीबन हर साल अर्थ की क्रस्ट जो है हिमालय वाली प्लेट को ऊंचा उठाती जा रही है और ये नीचे की तरफ घुसती जा रही है, जिससे ये वाला सेक्शन जो है ये उठता जा रहा
है। हर साल ऐसा होता है जिस वजह से अर्थक्वेक के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। नेपाल में ये सेक्शन बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा क्योंकि उस वाले जोन के अंदर ये बेसिकली बिल्कुल हिमालय के रीजन के करीब वाला सेक्शन है। अर्थ की जो टिटोनिक प्लेट्स हैं ये कॉन्स्टेंट मूव करती रहती हैं दोस्तों, कॉन्स्टेंटली मोशन में रहती हैं। बस फर्क इतना है कि आपको कुछ टाइम पीरियड पता चल जाता है, कुछ टाइम पीरियड में पता नहीं चलता है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम टाइम हमें पता नहीं चलता है। अब आ जाता है, दिल्ली को डिटेक्ट किया गया है ऐसे जोन के अंदर जहां पर 4 मैग्नीट्यूड से कम के और 3 मैग्नीट्यूड या 2 मैग्नीट्यूड से ज़्यादा के अर्थक्वेक के सिम्टम्स देखने को मिले हैं। बहुत ज़्यादा बार ऐसे अर्थक्वेक के झटकों को नोट किया गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि क्या ये शॉक वाली बात है या नॉर्मल बात है। तो सबसे पहली चीज़, ये कोई अनयूजुअल थिंग नहीं हो रही है दिल्ली के साथ। हर बार दिल्ली में हर समय हर महीने लगभग कुछ अर्थक्वेक के झटके आते हैं, बशर्ते कुछ की स्पीड कम होती है, कुछ की ज़्यादा होती है। ज़्यादातर अर्थक्वेक जो 3 रेशो से 3 पॉइंट से कम होता है उसको मेज़र किया ही नहीं जाता, उसको ध्यान नहीं दिया जाता है। ये काफ़ी लंबे अरसे से चलता आ रहा है। अगर आप इसको समझते हैं तो इधर ये लाइन पढ़िएगा, इफ़ यू लुक एट द अर्थक्वेक कैटलॉग दिल्ली एंड इट्स सराउंडिंग एरिया, सराउंडिंग एरिया यानी कि NCR, जैसे जयपुर हो गया, अजमेर, अरावली हिल्स हो गया, इनमें 2 से 3 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वैक या जो बेसिकली 2-3 अर्थक्वैक हर महीने आते हैं 2.5 मैग्नीट्यूड के आधार पर। और जो वाइब्रेशन है ये हम हैबिचुअल इतने हो चुके हैं कि हमें पता नहीं चलती है, लेकिन ये ज़्यादा स्मूथ नहीं होती है और हमें पता भी नहीं चलती है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। अब आ जाती है दिल्ली, जिस हिसाब से जिस एरिया में बसा हुआ है सबसे बड़ी आबादी का सेक्शन है और हिमालय रीजन के पास में है, और जरा सी हिमालय की जो कॉन्स्टेंटली जो मूवमेंट्स होती जा रही हैं उस वजह से भी आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें महसूस हो रही होंगी। 11 से 12 अर्थक्वेक नोट किए गए हैं जो कि कम नहीं है, लेकिन यूजुअल नहीं, अनयूजुअल नहीं है दोस्तों। हर साल महीने के अंदर एक आध बार ऐसा आपको अर्थक्वेक तेज वाला दिखता ही दिखता है। क्या ये अर्थक्वेक आपको आगे किसी बड़े अर्थक्वेक का सिम्टम दिखा रहे हैं, बड़े अर्थक्वेक के बारे में जानकारी दे रहे हैं? तो दोस्तों, हमारे हर्ष गुप्ता साहब जो हैं इंडियन फॉरमोस्ट एक्सपर्ट हैं ऑन अर्थक्वेक के लिए, जो कि इस समय फॉर्मर डायरेक्टर हैं NGRI के अंदर, इनका कहना ये है कि हमारे डॉक्टर या इंजीनियर्स ने काफ़ी ज़्यादा कोशिश करी, मेहनत करी, लेकिन मेहनत के बाद भी पूरे वर्ल्ड में अभी तक ऐसा किसी भी प्रकार का इक्विपमेंट या ऐसा कोई रडार या ऐसा कोई अलार्म सिस्टम तैयार नहीं किया गया है जिससे आपको पहले ही पता चल जाए कि अर्थक्वेक आने वाला है, आप अपने प्रिकॉशनरी मेजर ले लीजिए। ये ऐसा कोई भी आज तक रास्ता नहीं बन पाया। तो ये हम ना तो ये पता लगा सकते हैं कि अर्थक्वेक आने वाला है और ना ही अभी तक पता लगाया जा सका है कि आने वाला जो अर्थक्वेक होगा वो कितनी तेजी से आएगा। तो अब आता है कि व्हाट देन इज सिग्नल ऑफ अपकमिंग अर्थक्वेक, ये भी आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता कि आने वाले समय में अर्थक्वेक कितना तेज होगा। जैसे कि कई बार लोगों के सवाल आते हैं कि चलो ये अर्थक्वेक जो छोटे छोटे आ रहे हैं क्या ये बड़े अर्थक्वेक के आने का सिम्टम है? दोस्तों ऐसा नहीं है। ऐसी अगर कोई जानकारी होती तो सरकार पहले ही कोई गाइडलाइंस मेजर या फॉलो कर देती। आपका जो अर्थ का सेक्शन है इस समय जो बाउंड्री का पार्ट है ये बेसिकली सिंगल प्लेट और सिस्मेटिक एक्टिविटी जो जनरेट करने वाली इंटरनल डिफॉर्मिटीज है, अंदर की जो वीकनेस है या प्लेट्स की मूवमेंट है वो दर्शाता है, लेकिन इसे ये पता नहीं चल सकता, ना ही कोई प्रेडिक्शन की जा सकती है कि आने वाले टाइम पीरियड में बड़े अर्थक्वेक आएंगे या नहीं आएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं कहा जा सकता। हमारे डॉक्टर्स या साइंटिस्ट या फिर जो भी इसकी स्टडी करने वाले सेक्शन है, सीस्मोलॉजिस्ट हैं, उनके बारे में कोई जानकारी या बताया नहीं जा सकता। इज अ बिग वन इज कमिंग टू द रीजन, फिर से वही सवाल आ रहा है कि क्या बड़ा वाला आने की उम्मीद है? ऐसा फिर से कोई भी अभी सवाल का जवाब नहीं है किसी के पास कि क्या इससे बड़ा वाला कोई आने की उम्मीद है या नहीं है। मैग्नीट्यूड 6 इज टिपिकली एसोसिएटेड विद द काइंड ऑफ एनर्जी दैट वॉज रिलीज्ड बाय द एटम बॉम्ब इन हिरोशिमा। अब यहां पर कहते हैं कि 6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक महसूस किया गया था जब एटम बम फेंका गया था, वो मैनमेड सेक्शन था। अगर इसी सेक्शन में मैग्नीट्यूड 7 आता है तो वो हिरोशिमा वाले अर्थक्वेक से 32 गुना ज्यादा होगा। अगर इसी की जगह 6ठे की बात 60वें की बात की जाए तो वो 7वें से 1000 गुना ज्यादा होगा, यानी इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी अगर अर्थक्वेक आएगा तो। अगर अर्थक्वेक का इंटेंशन या फिर उसका मैग्नीट्यूड बढ़ता है तो उसे कंपन इस बार 1000 गुना तक बढ़ सकता है। दिल्ली पिछले 50 से 60 सालों के अंदर बड़े अर्थक्वेक की कोई उम्मीद नहीं कर पा रही है। अर्थक्वेक आ रहे हैं जो कम रिक्टर स्केल्स पर हैं जिससे ज़्यादा डैमेज नहीं हो पाए हैं, तो इसका कोई अभी आर्ग्यूमेंट का बेसिस नहीं है कि हम आपको पहले बता दें कि ऐसा कुछ है या नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर हम कह सकते हैं कि दिल्ली इस समय बैठा जो है एक तरीके से मौत के दरवाजे पर बैठा हुआ है
पूरा का पूरा दिल्ली, क्योंकि ज्यादातर जो कंस्ट्रक्शन दिल्ली के अंदर है वो इलीगल कंस्ट्रक्शन है। जरा सी एक भूकंप आता है, बने बनाए मकान गिर जाते हैं। दूसरी चीज, दिल्ली के अंदर बहुत सारे मकान ऐसे हैं जो लगभग 150 से 200 साल पुराने बने हुए हैं, जिनकी मियाद जो है वो इस समय गल चुकी है। तो अर्थक्वेक आता है तो ऐसे मकानों पर सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता है। उनके लिए एक सिंपल सी गाइडलाइंस ये कही जा सकती है कि दिल्ली एनसीआर के एरिया में उन मकानों को खाली कर देना चाहिए जो बहुत ज्यादा पुराने हैं, जिनकी नींव गल चुके हैं या जो मकान ढहने वाले हैं। सरकार को उन्हें खुद गिरा देना चाहिए ताकि जानबूझ कर किए गए नुकसान ज्यादा बेहतर होंगे, अगर डिजास्टर आया तो उसको रोक पाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारी इस वीडियो को हम इसी नोट पर अंत करते हैं और सुरक्षा की कामना करते हैं कि आने वाले भूकंप से लोगों को ज्यादा नुकसान ना हो। तो आज पर इसी वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।